हेलो नमस्कार गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस, आज की वीडियो में हम यूपी बोर्ड 10th क्लास का जो हिंदी का पेपर था 2020 का, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिएगा फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, पेपर को जो सोल्व करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं, और सेट जो है इसका 801 MB का सेट है, और पूर्णांक जो होता है 70 नंबर का पूर्णांक आता है। गाइस यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान के लिए। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने नीचे, तो इन्हें पढ़ लीजिएगा और टिक कर दीजिएगा अपने आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे है, ये इन्होंने 4 रचनाएँ दे रखी हैं, तो इनके राइटर के नाम पूछ रहे हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको, बाणभट्ट की आत्मकथा ये है हजारे प्रसाद द्विवेदी की, और नीचे है रश्मि मानसा तो यह है रामचंद्र शुक्ल की, और थर्ड है अर्धनीश्वर तो यह है दिनकर जी की, और फोर्थ है सेवा सदन तो यह है प्रेमचंद्र की। और गैप पूछ रहा है, किसी एक आत्मकथा लेखक का नाम लिखिए, तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं आप। और घ है रेश मिटाई किस विधा की रचना है, तो यह है एकांकी। और ल है इसका उपन्यास विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए, तो इसमें प्रेमचंद्र लिख दीजिएगा, कुछ भी लिख सकते हैं आप। और दूसरा क्वेश्चन है, रीतिकाल की 2 प्रमुख विशेषताएँ लिखिए, तो यहाँ पर आपको विशेषता लिखनी है कुछ भी दो। और ख है इसमें 4 रचनाएँ दे रखी हैं इन्होंने नीचे, तो इनमें से 2 के राइटर के नाम लिखनी है आपको। मैं रचनाएँ बता देता हूँ आपको, हिमकिरीटिनी यह है माखनलाल चतुर्वेदी की, और सेकंड है चिदम्बरा तो यह है पंत की, और थर्ड है पथिक तो यह है राम नरेश त्रिपाठी की, और फोर्थ है यशोधरा तो यह है मैथिली सदर गुप्त की। और गह दे रखा है इन्होंने, छायावाद के किसी एक कवि का नाम लिखिए, तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, जो आपके मन में आए। यहाँ पे इन्होंने गद्यांश दे रखी है, और नीचे क्वेश्चनों के आंसर देने हैं आपको इसे पढ़ के गद्यांश को। तो ये गद्यांश जो ली गई है भारतीय संस्कृति नामक पाठ से, तो इसके जो राइटर हैं वो है राजेंद्र प्रसाद। और देख लीजिएगा, पूरी पढ़ लीजिएगा गद्यांश, और क्वेश्चन ये दे रखे हैं इसमें, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 नंबर के 6 नंबर का क्वेश्चन है ये। अगला देखते हैं फ्रेंड्स क्या है इसमें, और इसके मतलब इसमें दो दे रखे हैं, 2 गद्यांश, 1 कह है और 1 ख है। तो आप जौन सा करना चाहें या जौन सा आपको आता है आप वो कर सकते हैं। कह अगर कर लेते हैं तो ख को छोड़ना है आपको। तो ख देखिएगा, ख दे रखी है ये, ऋषिया तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से ली गई है, और ये दिनकर ने लिखी है ये, सही है। यहाँ पे इन्होंने 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ पर आपको तीनों करनी है इसे पढ़ने के बाद में। और 4th क्वेश्चन देखिएगा गाइस, इसमें ये इन्होंने पद्यांश दे रखी है, कविता वाली अयोध्या कांड से, तुलसीदास द्वारा रचित है, तो ये दे रखी है इन्होंने, तो इसमें आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है इसकी 6 नंबर में। और अगला देखते हैं हम ख, तो अगर आपको ख समझ में नहीं आता या आपको वो पता नहीं है तो आप ख कर सकते हैं, सही है। ये भी 6 नंबर में ही है, और ये जो है सूर्यदेश प्रेम पाठ से ली गई है, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है गाइस, ठीक है गाइस। और आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन, तो इसमें राम जीवन परिचय लिखना है आपको 3 नंबर का, तो इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, रामचंद्र शुक्ल, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और भगवत सरल उपाध्याय, तो तीनों में से आप कोई भी कर सकते हैं एक। और खै देखिएगा, खै में भी 3 दे रखे हैं इन्होंने राइटर, 3 नंबर में ये भी, सूरदास महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान, तो आपको इनमें से भी एक करना है, 3 3 नंबर, 6 नंबर के आपके तो जो हो गए जीवन परिचय हो गए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये आ गया संस्कृत का पार्ट, तो यहाँ पर संस्कृति गद्यांश दे रखी है इन्होंने, तो ये ली गई है भारतीय संस्कृति नामक पार्ट से ली गई है आपको, और यहाँ पे आपको 1 नंबर का संदर्भ और 3 नंबर की हिंदी में व्याख्या लिखनी है इसकी। और अगर आपको ये समझ में नहीं आता है, ऊपर वाला आपको पता नहीं है उसके बारे में, तो आप नीचे वाला लिख सकते हैं, ये जीवन सूत्रादि से लिया गया है, नीचे वाला जो श्लोक है वो जीवन सूत्रादि से लिया गया है। और 7वां क्वेश्चन है, आपको कोई भी अपनी बुक से याद हुआ एक श्लोक लिखना है 2 नंबर का। और 6 है, आपको एक क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने 2, तो 1 1 नंबर के क्वेश्चन करने हैं आपको इनमें, दोनों में से 4 में से कोई से भी 2 जो आपको आती हो। और देखिएगा गाइज, यहाँ पे 8वें क्वेश्चन में कदुरदास लोहासी रसी परिभाषा और एक उदाहरण लिखना है आपको 2 नंबर में। और 6 में देखिएगा, उपमा अलंकार और उत्प्रेक्ष्य अलंकार की परिभाषा लिखनी है, एक की किसी की भी जो सी आप चाहें। और 11 देखिएगा, रोल छंद या सोठ छंद का लक्षण लिखकर एक उदाहरण भी लिखिए, तो आपको इनमें से कोई भी कर देना है, एक दोहरा लिखिएगा, सोठा लिखिएगा, जो आप चाहें, 2 2 नंबर के हैं। और नीचे देखिएगा, उपसर्ग बनानी है आपको, उपसर्गों से शब्द बनानी है आपको, कुछ भी बना सकते हैं आप इनका। और खै भी देखिए, प्रत्यय का यूज करना है आपको इसमें। और
नेक्स्ट देखिए गाइस, ये गे है इसमें, तो आपको समास विग्रह करने हैं इनके दोनों के। चार ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, तो आपको दो के समास विग्रह करने हैं जो आप चाहें, जल थल का जलोथल जिस टाइप से होंगे आप कर लीजिएगा इनके। और गह दे रखे हैं इन्होंने, तत्सम लिखने हैं आपको इनके, आग का अग्नि जो भी है। चार दे रखे हैं आपको, दो नंबर के मिलेंगे ये भी। और नीचे देखिएगा पर्यायवाची लिखने हैं आपको दो नंबर में। और देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे दो नंबर में संधि करनी है आपको, कोई भी जो चाहें। चार ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने संधियों के भी। और खे देखिएगा, ये दो नंबर में तृतीय विभक्ति बहुवचन के रूप में लिखना है इनको, मधु फल को जो भी है। और नीचे धातु लकार पुरुष वचन लिखनी है आपको गे में, दो नंबर में ये भी। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपको दो नंबर के क्वेश्चन भी मिलते हैं कि आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है इन्हें। समुद्र के उत्तर में भारतवर्ष है, तो आपको संस्कृत में अनुवाद करना है इनका। और गे देखिएगा, यहाँ पे निबंध लिखना है आपको छः नंबर का, जिस पे भी आप चाहें। मेरी प्रिय पुस्तक, चार ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, एक पे निबंध लिखिएगा छः नंबर का। और फ्रेंड्स आगे देखते हैं, यहाँ पे खंड काव्य दे रखे हैं इन्होंने तीन नंबर का, जौन सा भी आपके ये जिले वाइज होता है, जौन से जिले के लिए जौन सा है तो आप लिख दीजिएगा इसमें। हमारे यहाँ मुरादाबाद में मुक्ति दूत हैं, तो आप यहाँ पर ये चलेगा। और आगे देखिएगा इस, ये है यहाँ पे। तो बस फ्रेंड्स, इतना ही था पेपर में। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।